हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आज के इस धमाकेदार सेशन को आप लोग अवश्य शेयर और लाइक करके ही वीडियो देखिएगा, क्योंकि जैसा कि आप सभी को अवगत, हमने पहले ही थोड़ा सा भनक दे दिया था, हल्की सी मतलब डाइवर्जन दे दिया था आपको कि फाइनली आपकी राष्ट्रीय नेशनल सीड कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय बीज निगम का हमने भनक दे दिया था आपको कि वैकेंसी आने वाली है, तैयारी में लग जाइए। ठीक है, अब फाइनली हमने कहा था 1 सितंबर लास्ट तक, लेकिन ये अगस्त लास्ट में ही नोटिफिकेशन आउट हो गई। ठीक है, हमने अभी 1 महीने बाद कहा था, लेकिन पहले ही वैकेंसी फाइनली रिलीज हो गई है। तो इसके लिए वीडियो को लाइक करना तो बनता है। ठीक है, हमने अवेयर कर दिया था एम्प्लॉयमेंट नोटिस, आपकी नोटिस 2023, वैकेंसी का इंतजार था 2023 में ही चल करके ये फाइनली आई है। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें आप देखेंगे तो आपको ये देखिए सामने, नंबर ऑफ पोस्ट, फिर उसके बाद टोटल यूआर एडब्ल्यूएस फ्रेश बैकलॉग एससी एसटी पीडब्ल्यू एक्स सर्विसमैन सभी के लिए वैकेंसी अब फाइनली रिलीज की गई है। अब इसमें देखने के लिए आपको, इसमें हमारे ये पीडीएफ आपको पड़ जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम की आईडी है एग्री क्लासेस 573। अब आप लोग कहेंगे कि सर ये तो आपकी इंस्टाग्राम की आईडी है। जी हाँ, इंस्टाग्राम की आईडी है और टेलीग्राम दोनों की आईडी सेम है, दोनों आप ज्वाइन कर सकते हैं। और दोनों ज्वाइन कर लेंगे तो सबसे बेहतर होता है, क्योंकि बाकी कोई भी अपडेट आएगी तो हम इंस्टाग्राम की स्टोरी के माध्यम से आपको इनवाइट कर देंगे, इन्फॉर्म कर देंगे, बता देंगे, समझा देंगे, सारे सुझाव आपको प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम पर आपको ये पीडीएफ मौजूद हो जाएगी। अब साथ में ये चीज नोट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा दें कि ये जो वैकेंसी है, आपको जैसा कि आपको अवगत करा दिया गया था, इसमें वैकेंसियों में सभी के पहले से ही कि नंबर ऑफ वैकेंसी कितने हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखेंगे जूनियर ऑफिसर लीगल की 4 वैकेंसी हैं, 2 जनरल की हैं, 1 ईडब्ल्यूएस की है और 1 ओबीसी की है। ठीक है, फिर जूनियर ऑफिसर विजिलेंस में देखेंगे तो आपकी 2 सीटें हैं टोटल, दोनों जनरल की हैं। फिर मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग में देखेंगे 15 सीटें हैं, अभी आगे योग्यता भी बताएंगे, 7 जनरल की हैं, 2 ईडब्ल्यूएस की हैं, 3 ओबीसी की हैं, 1 ओबीसी बैकलॉग की है, 1 ओबीसी एससी फ्रेश की है। ठीक है, मैनेजमेंट ट्रेनी की एक पोस्ट है, वो भी यूआर की है। ठीक है, मैनेजमेंट ट्रेनी सिविल इंजीनियर की एक पोस्ट है, वो भी यूआर कैटेगरी की है। अब ट्रेनी एग्रीकल्चर में 40 पोस्टें हैं, 9 जनरल की हैं, 9 ईडब्ल्यूएस की हैं, 9 ओबीसी फ्रेश की हैं, 1 बैकलॉग, 1 एससी फ्रेश, 1 बैकलॉग, 1 एसटी फ्रेश, 1 बैकलॉग और बाकी ये 2-3 आपकी वैकेंसियां दिव्यांग कोटा के अंतर्गत आपकी आती है। ठीक है, और 3 आपकी वैकेंसियां इसमें है एक्स सर्विसमैन में ही। ठीक है, अब आगे देखिए, ट्रेनी मार्केटिंग की 6 पोस्ट हैं, 1 ईडब्ल्यूएस की, 2 ओबीसी की, 1 आपकी एससी की और 2 एसटी फ्रेश की, 1 दिव्यांग की। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल में आप देखेंगे तो 3 सीटें हैं, 1 यूआर, 1 ईडब्ल्यूएस, 1 ओबीसी, 3 सीटें मात्र अवेलेबल है। फिर स्टेनोग्राफर में देखेंगे 5 सीट हैं, 1 जनरल की और 3 एससी की, ओबीसी बैकलॉग की। ठीक है, और 1 सीट है आपकी एसटी बैकलॉग की। ठीक है, अब एग्री स्टोर में देखेंगे तो 12 सीटें हैं, 3 यूआर, 3 ईडब्ल्यूएस, 6 ओबीसी फ्रेश और 2 सीटें आपकी हैं दिव्यांग कोटा की, 1 एक्स सर्विसमैन की है। ठीक है, टोटल आपकी हैं 89 सीटें, जैसा कि हमने आपको
बता दिया था, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसको ले सकते हैं, बाकी इसको पढ़ लीजिएगा अगर पढ़ना होगा तो। अब इसेंशियल क्वालिफिकेशन आप देखेंगे क्वालिफिकेशन में, तो जूनियर ऑफिसर के लिए प्रोफेशनल डिग्री इन लॉ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, वन ईयर एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग लीगल मैटर, ए रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन आर विथ एक्सपीरियंस एडवोकेट, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एमएस ऑफिस की आपकी नॉलेज होना चाहिए, और फिर आपका डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हु लॉट ग्रेजुएट वर्किंग द नेक्स्ट बिलो पोस्ट टू ईयर, ठीक है, हैविंग एप्टीट्यूड वर्क लीगल डिपार्टमेंट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड ऑन मेरिट्स एलॉन्ग विथ अदर, ठीक है। अब इसमें लॉ वाले स्टूडेंट विथ एक साल की एक्सपीरियंस के साथ इसमें जा सकते हैं, ठीक है। अब विजिलेंस वाले में जाएंगे तो ग्रेजुएट होना चाहिए विथ 60% मार्क्स से, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, हैविंग 5 ईयर एक्सपीरियंस, 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, स्केल 19,000 से 68,000, ठीक है, ठीक है। एंड एबव आउट 2 ईयर एक्सपीरियंस इंटेलिजेंस विंग ऑफ गवर्नमेंट, इंटेलिजेंस विभाग में आपकी सरकारी 2 वर्ष की एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। अब इसका आप लोग पढ़ लीजिएगा विजिलेंस वाले। मैनेजमेंट ट्रेनी मार्केटिंग में आप जाएंगे तो बीएससी एग्रीकल्चर प्लस एमबीए मार्केटिंग या एबीएम फुल टाइम आर 2 ईयर फुल टाइम पीजी डिग्री डिप्लोमा इन मार्केटिंग एग्री बिजनेस मैनेजमेंट आर एमएससी, चाहे आपके पास बीएससी एमएससी दोनों हैं तब भी आपके, लेकिन उसके बाद साथ में है आपको 60% होना चाहिए, साथ में आपको कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए एमएस वर्ड का। अब आगे देखेंगे मैनेजमेंट ट्रेनिंग सिविल इंजीनियरिंग के लिए, बीई बीटेक सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, 60% मार्क और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एमएस ऑफिस मैंडेटरी, ये मैंडेटरी सबके लिए है एमएस ऑफिस। अब मैनेजमेंट ट्रेनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में देखेंगे तो आप अपना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एमएस ऑफिस देख लीजिएगा। अब ट्रेनी एग्रीकल्चर, ये सबसे बड़ी है, ये सबसे मस्त है एग्रीकल्चर वाले छात्रों के लिए, इसको देख के लौंडे खुश हो जाते हैं, ठीक है। बीएससी एजी विथ 60% मार्क फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, आपके 4 वर्षीय डिग्री में कंप्यूटर पढ़ाया जाता है, ठीक है, वही पूछ रहा है बस, कोई ज्यादा इसमें खास नहीं पूछ रहा है, और 60% यहां पर मार्क होना चाहिए ट्रेनी एग्रीकल्चर में, बीएससी एजी केवल मांग रहा है, ठीक है। ट्रेनी मार्केटिंग में देखेंगे तो सेम सिचुएशन आपका, आप किस किस बीएससी एग्रीकल्चर जिनके पास कंप्लीटेड है, अपेयरिंग वाले नहीं भर सकते हैं, जो पास आउट हैं या पीडीसी कट गई है तो आप लोग इसमें भर सकते हैं, ट्रेनी एग्रीकल्चर में भर सकते हैं, ट्रेनी मार्केटिंग और ट्रेनी क्वालिटी कंट्रोल में भर सकते हैं, और फिर आप जाएंगे तो ट्रेनी एग्री स्टोर में भर सकते हैं। बीएससी एजी वाले कितने में भर सकते हैं, इसमें आप लोग पहुंच जाएंगे, ठीक है। उसके बाद एमएससी वाले किस में भर सकते हैं, बीएससी प्लस एमएससी मैनेजमेंट ट्रेनी मार्केटिंग में, ठीक है। उसके बाद आप स्टेनोग्राफर में जो टाइपिस्ट होता है टाइपिंग करने वाला, उसके लिए ये 12th होना चाहिए, सीनियर सेकेंडरी इक्वेलेंट 3 ईयर डिप्लोमा ऑफिस, 3 वर्ष की डिप्लोमा और 60% होना चाहिए विथ स्टेनोग्राफी फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज पॉलिटेक्निक आर, या ग्रेजुएट फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज विथ मिनिमम 60% मार्क विथ सर्टिफिकेट कोर्स स्टेनोग्राफी, या तो आप ग्रेजुएशन किए हो स्टेनोग्राफी से तब आप जा सकते हैं, या फिर आप 12th हैं साथ में आपके 60% मार्क होना चाहिए और आपकी, या फिर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपने पॉलिटेक्निक किया हो, ठीक है। अब इसमें कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए इंक्लूडिंग एमएस ऑफिस वर्किंग हिंदी लैंग्वेज ऑफिस मैनेजमेंट एंड एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल इज नेसेसरी, आपके पास ये सारे मापदंड होना चाहिए, और टेस्ट जो होगा टाइपिंग टेस्ट 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होगा, ठीक है। और उसके बाद आप देखेंगे द कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू पास शॉर्ट हैंड टेस्ट स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट स्पीड 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश रिस्पेक्टिवली, द शॉर्ट हैंड टेस्ट कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट शैल बी क्वालिफाइंग नेचर, इट इज मैंडेटरी टू पास बोथ द टेस्ट शॉर्ट हैंड एंड कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट प्रिपेयरिंग फाइनल मेरिट, कहने का तात्पर्य है जब आप एक बार एग्जामिनेशन दे देंगे फिर उसके बाद आपकी टाइपिंग टेस्ट की जाएगी, उसी बेसिस पर आपको ले लिया जाएगा,
ये फाइनल है, संविदा वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। सैलरी देख लो भैया, सैलरी यहाँ पर जूनियर ऑफिसर की देख लेंगे 22 से 70 हजार, 22 हजार बेसिक पे है, 22 हजार दोनों की है। फिर विजिलेंस में देख लेंगे 22 से 77 हजार। अब ट्रेनिंग में आएंगे तो ये आपका इसमें देखेंगे मैनेजमेंट ट्रेनिंग में एपीएससी एजी वालों के लिए 55 हजार ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड पर मंथ मैनेजमेंट ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग वालों के लिए 23,664 रुपया पर मंथ। ये टोटल डीए टीए वगैरह सब भी एक्स वाई जेड जितने अलाउंस लगते हैं सब मिला करके लगता है। अब एज लिमिट आप देखेंगे तो एज कैलकुलेशन आपका 25/9/2023 के दिन आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कि 30 वर्ष से अधिक तो नहीं जा रहे हैं, 27 वर्ष से अधिक तो नहीं जा रहे हैं। यदि जाते हैं तो एज रिलैक्सेशन में यदि आते हैं तो आप इसको एज रिलैक्सेशन आप देख लीजिएगा, ठीक है। मिनिमम कितना होना चाहिए? मिनिमम भैया 18 होना चाहिए और क्या। नॉट एप्लीकेबल एग्जिस्टिंग डिसीजन बोर्ड, इसका कोई मतलब नहीं है। अब इसमें देखेंगे मैनेजमेंट ट्रेनिंग में रिटेन एग्जामिनेशन होगा, फिर जूनियर ऑफिसर में इसमें भी आपका रिटेन एग्जामिनेशन होगा बेस्ड ऑन मेरिट। रिटेन एग्जामिनेशन कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू डॉक्यूमेंट, इसमें आपका मैनेजमेंट ट्रेनिंग में रिटेन होगा प्लस इंटरव्यू होगा, टेकिंग इनटू टुगेदर दोनों को साथ में मिला करके आपका जो भी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें आप शॉर्ट लिस्टेड होंगे। कहने का तात्पर्य सीधी सी बात यह है। और फिर यही में देखेंगे इसमें सेकेंड वाले में जूनियर ऑफिसर, फर्स्ट में विजिलेंस और लीगल वाले में, और ट्रेनिंग में देख लेंगे रिटेन एग्जामिनेशन होगा बेस्ड ऑन मेरिट ऑफ रिटेन एग्जामिनेशन, ठीक है। रिटेन एग्जामिनेशन फिर आर रिटेन एग्जामिनेशन स्किल टेस्ट इन केस ऑफ ट्रेनिंग स्टेनोग्राफर, ये स्टेनोग्राफर की दशा में देखा जा रहा है तो रिटेन एग्जाम होगा और स्टेनोग्राफर में टाइपिंग करा करके और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा करके उनका फाइनल मेरिट लिस्ट करके तब सिलेक्शन होगा, ठीक है। बाकी में एक एग्जामिनेशन होगा ट्रेनिंग एग्रीकल्चर में, मार्केटिंग में, क्वालिटी कंट्रोल में, एग्री स्टोर में, सब में केवल व केवल एक ही एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। और पूरे ऑल इंडिया भारत में आपको अब यहाँ पर देखिए, द कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू बेस्ड ऑन हर स्कोर आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द नंबर पोस्ट एंड जोन कंसिडरिंग एंड वेटेज एग्जामिनेशन 70% एंड इंटरव्यू फॉर 30% फाइनल, मतलब 70% आपका रिटेन से ले लिया जाएगा और 30% जो मार्किंग आपकी बनेगी ये इंटरव्यू से बनेगी, ठीक है। आगे देखेंगे एग्जामिनेशन का पैटर्न होगा, तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बता दिया था कि भैया आपका जो पेपर 2018-19 में हुआ था वो ऑफलाइन हुआ था, उसके बाद सब ऑनलाइन हो गया है, ठीक है। अब ऑनलाइन प्रोसेस चलेगा, बाकी कोटा वाली आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा जो दिव्यांगता के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें पोस्ट आपकी क्या है पोस्ट के लिए, ये आपके मैनेजमेंट ट्रेनिंग वाला है, मैनेजरियल मैनेजर के लिए मतलब मैनेजर के लेवल का पोस्ट है। उसके बाद ये बाकी जो पोस्टें हैं ये सुपरवाइजरी लेवल पे हैं और ऑपरेशनल फील्ड एंड ऑफिसियर दोनों वर्ग के हैं, ठीक है। उसके बाद ये रेगुलर एम्प्लाई में है लीगल और बिजनेस, ठीक है, और ऑन ट्रेनिंग एंड सब्सिक्वेंटली रेगुलर पोस्ट मेंशन बिलू, ठीक है। ये आप नीचे दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, लेकिन सब रेगुलर हैं, ठीक है। और इसमें टर्म एंड कंडीशन को आप लोग पढ़ लीजिएगा, सैलरी वगैरह के बारे में जो भी है आप इसके आगे पढ़ लीजिएगा। अब हम सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात कर लेते हैं, तो मुद्दे की बात अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है हम आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, ए कैंडिडेट शुड अप्लाई ऑनली वन पोस्ट, केवल एक पोस्ट पर आप अपना फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। ज़्यादा आप लोग अपना दिमाग ना लगाइएगा कि उस पर भी कर लेंगे, एग्जामिनेशन एक दिन पड़ जाएगा, आपका सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा फॉर्म का, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इम्पोर्टेंट डेट, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट 28 अगस्त से आपका चालू होगा, दिन में 10 बजे के बाद भैया चालू करिएगा। जो भी वेबसाइट हैं, वेबसाइट आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा या फिर हमसे इंस्टाग्राम पर ले लीजिएगा, ठीक है। लास्ट डेट आपकी 25 सितंबर है 2023, ठीक है। इसमें कोई करेक्शन वगैरह नहीं होता है, वन टाइम आपका फॉर्म भर गया, करेक्शन डेट नहीं आएगा। और एग्जामिनेशन आपका कब तक होने की संभावना है, 10 अक्टूबर में ले भैया एग्जामिनेशन। और ये एडमिट कार्ड वगैरह बहुत जल्दी इसका स्पीडली बहुत स्मूथली वर्क होता है इसमें,
एप्लीकेशन फॉर्म की फीस कितनी है? कहेंगे सर आप अपने पास से तो नहीं बता रहे हैं। नहीं भैया अपने पास से नहीं बता रहा हूँ, ऊपर दिया था 500 प्लस आपका ट्रांजेक्शन चार्ज, ठीक है। बाकी आपको किसी प्रकार से समस्या होगी तो एक बार फिर से मैं बता दूँ, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम की आईडी यही है, एग्री क्लासेस 573। अब जो भी हमारी मैक्सिमम वीडियो आएंगी सब राष्ट्रीय बीज निगम पर आएंगी, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। इसका ये एप्लीकेशन फॉर्म फीस है, ठीक है, सैलरी बता दिया, एप्लीकेशन फॉर्म बता दिया, लास्ट डेट बता दिया, इंस्टाग्राम की आईडी बता दिया, ठीक है। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मेंशन है, ऊपर अभी दिया हुआ था, यहाँ पर देखिए नॉन रिफंडेबल फीस 500 रुपये प्लस GST, ऑन GST भी लगेगा, आपकी प्रोसेसिंग फीस भी लगेगी, मतलब ट्रांजेक्शन चार्ज भी लगेगा, साथ में पेमेंट गेटवे का भी चार्ज लगता है। टोटल अबाउट आपका, जो लोग फॉर्म नहीं भर पाएंगे और नहीं समझ पाएंगे तो आप लोग फॉर्म भरा लीजिएगा आप हमारी टीम से, तो टीम से संपर्क करने के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर मैं बता दे रहा हूँ अपना 90 26 97 48 41। यहाँ पर आप संपर्क कर लीजिएगा, प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको मिल जाएगा यहाँ पर NSC का, और साथ में आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स या सभी समस्त मूल प्रमाण पत्र भेज दीजिएगा, आपको टीम आपकी फॉर्म भर देगी। और प्रीवियस ईयर पेपर अगर आपको चाहिए, प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।